नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह, जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग को क्वालिफाई किया है। ये इंटरव्यू कराने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि मैं कुलदीप सिंह से उनका जो एक्सपीरियंस है वो जान सकूँ और उनके एक्सपीरियंस से जो एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि इस टाइम पे उनके दिमाग में ढेर सारे कंफ्यूजन है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ऑनलाइन टाइपिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन टाइपिंग करनी चाहिए। तो तमाम जो भी डाउट हैं आपके वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कुलदीप सिंह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले अपने बारे में कुछ बताइए और फिर हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम कुलदीप सिंह यादव जी। सर, मैं इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ जी। सर, मैंने पहली बार इसको पूरा फाइनल तक अटेम्प्ट किया है जी। सर जी जी, जी। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन आपका टाइपिंग हुआ, क्योंकि पहली बार एसएससी ने ऑनलाइन टाइपिंग कराया, तो आप क्या मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन उन्हें टाइपिंग करना चाहिए या ऑफलाइन। तो आपके हिसाब से क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं बच्चों को बताता भी हूँ कि अगर आपको टाइपिंग को क्वालिफाई करना है तो ऑफलाइन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना? सर, हम यही संदेश देना चाहेंगे, पहले बच्चे तो पहले ऑफलाइन का प्रयोग करें, फिर उसके बाद बीच बीच में ऑनलाइन का प्रयोग जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सर मैंने जब, और आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं 2 घंटे आपने ऑफलाइन किया, उसके बाद आप 1 घंटे जो है वो ऑनलाइन दीजिए। तो सर, मैं यही सबने साथियों को बताना चाहता हूँ कि बच्चे 2 घंटे टाइप ना करें। जैसे सर, जैसे 40 मिनट टाइपिंग किया, उसके बाद रेस्ट चाहिए उनको, फिर कुछ देर बाद फिर 30 मिनट टाइपिंग करें, 20 मिनट करें, 40 मिनट करें, बट लगातार कंटिन्यू 1 घंटे 2 घंटे ना करें। हाँ, ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट आए सर, ज्यादा देर करने से फिंगर ज्यादा दर्द होने लगता है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो स्पीड नहीं आती, केवल वो ऐसा फीलिंग होता है कि उसको अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता उसका। जी सर, जी जी। अच्छा, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपने जो टाइपिंग को क्वालिफाई किया, इसका मूल मतलब क्या था, ताकि वो बच्चे जो टाइपिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं उन्हें किस हिसाब से अपनी, जैसे मान लेते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता, जो टाइपिंग को सिर्फ स्टार्ट कर रहा है, उसे किस तरीके से अपना टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई करना। सर, मैंने तो पहले अपना पहले नॉर्मल टाइप करता था, फिर मेरी कुछ स्पीड आ गई सर, उसके बाद मैंने आपका सर मटेरियल लिया, मेरा दोस्त रहा प्रबल, मैंने उससे मटेरियल लिया आपका, जब मेरा पेपर लगा था टाइपिंग वाला, तो मैंने उससे मटेरियल लिया, आपका सारा मटेरियल मैंने टाइप किया कंटिन्यू। तो सर इससे स्पीड जी, तो उस मटेरियल से आपको थोड़ा बहुत भी सर बहुत बेनिफिट हुआ है सर, आपकी टाइप बहुत ही हार्ड थी एक प्रकार से देखा जाए, मैटर तो इजी था सर, बट टाइपिंग हार्ड इसलिए बन गई थी क्योंकि ऑनलाइन टाइपिंग हुई पहली बार जी। और सर उसमें होता क्या है ना कि ऑनलाइन में सर 4 बार जो है माउस का प्रयोग करना पड़ता था, तो सर इससे मैंने आपके मैटर से प्रयोग किया और मैं ऑनलाइन उसको सेट करके करता था, ऑनलाइन ऑफलाइन मैं दोनों किया था, उसको जैसे रिकॉर्डिंग कर देता था सर उस पर स्क्रीन पे, उसके बाद बना के करता था। हाँ सर जी जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले जो एस्पिरेंट है, क्योंकि इस बार हर साल क्या होता है कि कंटेंट अपडेट होता रहता है, तो इस बार जो मैंने कंटेंट बनाया वो थोड़ा सा और भी ज्यादा अपडेटेड है, तो क्या कहना चाहेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले एस्पिरेंट को कि उन्हें इस कंटेंट को लेना चाहिए? सर, बच्चों को कंटेंट लेना चाहिए क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा है सर। 15 लाख 16 लाख ये फॉर्म फिलिप किया जाता है, आप बाद में 30,000 35,000 बच्चों में आते हैं टाइपिंग देने आते हैं, तो ये आपका सौभाग्य होता है सर, तो इसमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए हमारे समझ से। तो हम तो भाई सर मैटर लिए थे, हमें बहुत बेनिफिट हुआ। नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन ये इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि चूंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे फ्रॉड भी होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बिलीव नहीं करते, तो क्या इस चैनल पे वो बिलीव कर सर? हम तो पूरी तरह से बोलेंगे बच्चे बिलीव कर लें, क्योंकि हम एक खुद वहां से गुजरे हुए शख्स हैं जहां से आपको मैटर लेके हम क्वालिफाई किए हैं। हमारे सक्र में सर 7 लड़के थे हमारे ग्रुप में, जिसमें से 2 बंदे ने क्वालिफाई किया टाइपिंग, और दोनों ने प्रबल ने मैटर लिया, तो उनसे मैटर हम किए, बाकी कोई नहीं किया, बंदे ने फेल हो गए हैं सब जी सर। ओके, तो मैटर के लिए आपका सर मैटर बहुत बढ़िया रहा सर, हम बच्चों को सजेशन देंगे मैटर ले लें, उसमें कोई कोताही न करें, हमको इससे सर कोई लाभ नहीं है, हम उससे किए इसलिए बता रहे हैं,
क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कल बच्चे वहां तक पहुंचते हैं तीसरा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिस्क लेंगे, जैसे मैटर क्या है कि क्या होता है कि जैसे हम अगर मैटर बनाते हैं तो उसमें हम अपना जितना भी एक्सपीरियंस वो लगा के मैटर बना रहे हैं, उसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको आपको रास्ता बना हुआ तैयार है, आपको सिर्फ उस सर यही सोचने वाली बात होती है कि हम लोगों ने इतना दिन मेहनत किया, अगर कोई हमें थोड़ी सी उसमें हमें इतना मैटर प्रोवाइड कर दे रहा है, सर इसमें हमें करना चाहिए, कोई इसमें कोताही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये तो बात हो गई मैटर की, कि जैसे आपने जो ऑनलाइन, चूंकि एसएससी ने क्या था कि पहले आपका ऑफलाइन जिस तरीके से होता था टाइपिंग, वैसे ही मतलब आपको लग रहा था कि वैसे ही होगा टाइपिंग, लेकिन अचानक डिसीजन एसएससी का बदला, उन्होंने ऑनलाइन कराने का डिसीजन लिया, तो इसको आपने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की, थोड़ा सा? सर हमने जो मैटर था पहले उसको करते थे डेली, तो सर ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन करते थे, फिर सर फिर हुआ क्या कि हमने मैटर को ऑफलाइन करते थे, उसके बाद मैंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। सर ऑनलाइन जैसे मैटर मिलता नहीं है, यूट्यूब पर मिलता है, इधर उधर मिलता है, तो उसको कुछ ऐप्स भी आते हैं। हाँ जी जी, जैसे ऐप भी अगर आप बता दें तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत कुछ। सर ऐप्स थोड़ा याद नहीं आ रहा, एक ऐप्स होता है सर, याद नहीं आ रहा है इस समय। चले तो सर, टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन अगर आपने कंटेंट को, हार्ड कॉपी कंटेंट को अगर आपने टाइप कर लिया, तो फिर ऑनलाइन में क्या है कि आप सर अपनी, मुझे जहां तक लगता है मैंने टाइपिंग क्वालिफाई किया, जैसे मतलब अचानक डिसीजन चेंज किया था कि ऑनलाइन कराएंगे, तो मुझे जहां तक लगता है अगर आप ऑफलाइन अच्छे से टाइपिंग किए हैं, आपको मैटर अच्छा मिला है, मतलब उसका माहौल मिला, जैसे होता है वहां पे मैटर आता है सर, उस तरह माहौल मिला है, तो आपको ऑनलाइन ज्यादा दिन नहीं सर, हफ्ते 10 दिन अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं सर, कुछ नहीं है, वो एकदम कन्फर्म क्वालिफाई होना है उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हम अगला क्वेश्चन मैं कुलदीप जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले एस्पिरेंट हैं, इस टाइम पे उन्हें इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि अभी उन्हें टीयर टू का रिजल्ट का वेट करना चाहिए या टाइपिंग करना चाहिए, तो क्या उनको सजेशन? सर टीयर टू तो हो चुका है, तो सर आप टाइपिंग उनको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग में आप टाइपिंग सर हार्ड करा रहा है आपकी सर, सर 50% के एबव लड़के फेल हुए हैं टाइपिंग में आज। जी जी जी, और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा सर, और सर सर बड़ा प्रेशर जो होता है वो वहां जब बैठते हैं सर, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, मेरी टाइपिंग सर 57-58 के मैं स्पीड करता था, 57-58 तब जाके 57-58 वर्ड पर मिनट सर, उसके बाद भी वहां मेरा हाथ कांप रहा था। हाँ, तो वही मैं आपसे, जो भी एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले एस्पिरेंट है, मैं उन सभी से बार बार ये बात समझा रहा हूँ, अभी भी फिर आपको समझा रहा हूँ कि आप टीयर टू के रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि बच्चे बहुत कम फेल होंगे, अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो आप 100% टीयर टू एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, और वो आपके जी और वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आगे की स्टेज, तो अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट करिए। और मेरा सर टाइपिंग अगर अभी शुरू कर देते तो उन्हें कोई नुकसान थोड़ी है सर, फिर सोने देना है, मान लीजिए सपोज डेट उनका नेगेटिव रिजल्ट आता है, बट उनको फिर अगली बार टाइपिंग देना है, तैयारी उनकी है तो। हाँ, तो टाइपिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक आपका स्किल है, वो अगर आपके पास एक बार आ गया तो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज। सर इतनी इजी टाइप नहीं है, लोगों को लगता है कि सर से वो डिजी टाइप कराता है, आपकी बार रिजल्ट देख सबको लग गया कि हाँ टाइपिंग क्या चीज है जी, इसलिए मैं सजेशन दूं अभी से वो अच्छे से टाइपिंग अपना 1.5 घंटे 1 घंटे के टाइम डेली निकालें, कम से कम सर इतना निकालें। और सर थैंक यू कुलदीप सिंह जी, आप सर उनको मैं सजेशन देगा मैटर को चाहे जहां से लें, चाहे आपसे लें या चाहे से लें, जहां से लें और सही से लें, मतलब एक मैटर को, ये नहीं सर मैटर हार्ड दें या इजी दें, सब कुछ नहीं, जैसे होता ना सर यूट्यूब नहीं, आपको क्या लगता है कि यहां से मैटर बच्चों को लें? सर हमने भी देखा 2-3 यूट्यूबर का मैटर लिया था हमने, देखा कि वो अपना लाइक कमेंट बढ़ाने के लिए बहुत इजी मैटर दे देते थे सर, लेकिन वो काम नहीं आने वाला, आज तो हम खुशी हो गए कि हम बहुत स्पीड कर ले रहे हैं सर, वहाँ पता चलता है, हम जैसे मैंने सर आपका मैटर लिया प्रबल भाई से, वहाँ से किया, मुझे सेम वैसे ही मैटर मिला सर, सेम वैसे मैटर मिला था। ओके थैंक यू इसके लिए आपका, और मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो जो 2019 वाले हैं वो कुलदीप सिंह से कुछ सीखे, और इन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई किया है, और इनका फाइनल, मैं तो यही इनके लिए बेस्ट विशेस करता हूँ, इनका फाइनल सिलेक्शन हो, जब सिलेक्शन होगा फिर मैं एक बार इनका इंटरव्यू करूंगा।
तो कुलदीप सिंह जी मुझे टाइम देने के लिए धन्यवाद, और बच्चों को अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद।